Hello students, welcome back to our ACPC 2024 registration series videos for engineering admissions in Gujarat. और आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही important चीजों के बारे में. सबसे पहला है checking your merit rank. आपका all India and state wise merit rank आप check कर पाएंगे. कैसे देखना है, numbers को कैसे पढ़ना है वो हम आपको सिखाएंगे. और second most important thing जिसके बारे में बात करने वाले हैं, that is choice filling. यानी actual में जिस भी कॉलेज में आपको admission लेना है उस कॉलेज का नाम और वही ब्रांच कैसे सिलेक्ट करनी. तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है कि आप गूगल में जाइए. अगर आपको जो एडमिशन ACPC की जो वेबसाइट है उसका अगर पूरा URL याद है तो टाइप कर दीजिए. अदरवाइज सिंपली टाइप गुज ACPC एडमिशन 2024. जो पहली लिंक आएगी उस पर आप क्लिक करिए. आपको कुछ ऐसा टैब खुलेगा. नीचे कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड पर क्लिक करिए. यहाँ पर आपका यूजर ID, पासवर्ड और नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है वो ध्यान से एंटर करिए एंड देन क्लिक ऑन साइन इन. साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक और पेज दिखेगा फॉर BE एंड BTech काउंसलिंग, यानी कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी. यहाँ पर आपको वापस दोबारा अपना सिक्योरिटी पिन एंटर करना रहेगा एंड एंटर द पिन. यहाँ पे ऑल्सो यू बी एबल टू सी कि आपका नेम और यूजर ID आपको दिखेगा, यानी आपका लॉग इन हो चुका है वो आपको दिखेगा. ठीक है, सिक्योरिटी पिन डालने के बाद व्हेन यू क्लिक हियर टू प्रोसीड आपको एक और बार वापस पूछेगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू गो फॉर BE एंड BTech ओनली, कन्फर्म इट एंड अगेन क्लिक ऑन प्रोसीड. उसके बाद अगर आपने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया, अगर आप पहली बार ये खोल रहे हो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके लिए टोटल अवेलेबल चॉइसेस हैं 1132. आपने अभी तक एक भी चॉइस फिल नहीं की है, यानी कि अनफिल्ड चॉइसेस इज सेम एज द अवेलेबल चॉइसेस, दैट इज 1132. और चॉइस लॉकिंग स्टेटस अभी अनब्लॉक्ड है, आपने लॉक नहीं किया हुआ है. अगर आप चाहते हैं एक और बार अपना जो है डैशबोर्ड चेक करना, तो यू कैन क्लिक ऑन द कॉमन डैशबोर्ड. कॉमन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा. आपका नेम, एप्लीकेशन नंबर, आपने जो फोटो सबमिट किया होगा वो आपको दिखाई देगा. यहाँ पे भी आपका नेम आएगा और आपने लास्ट ये कब खोला था, दैट ऑल्सो यू विल कम टू नो. इन केस योर ID पासवर्ड इज लीक्ड, यू विल कम टू नो वेदर समबडी एल्स हैज लॉग्ड इन ऑन योर बिहाफ, सो यू कैन चेक दैट एज वेल. अगेन लेट्स गो बैक ऑन द होम टैब. अब आप यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल में जाइए. कैंडिडेट प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपको अपना पूरा का पूरा प्रोफाइल दिखेगा. योर एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर ID, कैंडिडेट्स नेम, जेंडर, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, योर सब कैटेगरी लिस्ट, योर अदर इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा. एंड दिस इज द सेम पेज जहाँ पे आपको अपना रैंक दिखेगा, रैंक डिटेल्स. सो यहाँ पे पहला दो टाइप के रैंक्स आपको दिखेंगे. द फर्स्ट वन इज ऑल इंडिया रैंक BE BTech एंड द सेकेंड इज स्टेट फाइनल रैंक. अब इसको कैसे पढ़ना है वो ध्यान से देखिए. ऑल इंडिया रैंक के आगे आपको सबसे पहला नंबर आपको 9 दिखेगा. 9 itself means कि this is an all India rank. That means ये जो भी बच्चा है इसका rank 99,56,789 नहीं है, इसका rank actual में है 56,789. Obviously this is a dummy number. 9 simply means कि ये all India rank है, यानी कि actual AIR rank is 56,789. I hope that it's clear. अब स्टेट फाइनल रैंक जो है BE BTech वो जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसा होगा. 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 12,345. ये ऑब्वियसली किसी का मेरिट रैंक होगा, बट हमने सिर्फ ही एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो आपको अब आपको पता चल गया होगा कि आपको अपना रैंक कहाँ से दिखेगा. क्लिक ऑन द कैंडिडेट प्रोफाइल और वहां से आपको अपना ऑल इंडिया रैंक एज वेल एज स्टेट फाइनल रैंक दिखेगा. अब नेक्स्ट चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो सिंपली यहाँ पे आपको दिखेगा चॉइस फिलिंग विच इज अ न्यू टैब दैट हैज बीन ओपन, राइट. और आप देखोगे चॉइस लॉकिंग ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट इसको आपको अभी क्लिक नहीं करना है. यू हैव टू क्लिक दिस वंस यू हैव एंटर्ड योर चॉइसेस. तो चॉइस फिलिंग पर क्लिक करिए. एक बार चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यू आर ट्राइंग टू एक्सेस चॉइस फिलिंग या फिर चॉइस मॉडिफिकेशन. अगर ऑलरेडी फिल कर दी हो तो चॉइस मॉडिफिकेशन आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आपको यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा. डू दैट एंड क्लिक ऑन सबमिट. आपको एक और बार प्रॉम्प्ट आएगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू सबमिट, क्लिक ऑन ओके. एंड देन आपको चॉइस फिलिंग का जो बोर्ड है वो कुछ ऐसा दिखेगा. यहाँ पे तीन टाइप के फिल्टर्स आप लगा सकते हो. सबसे पहला फिल्टर है इंस्टीट्यूट टाइप का, यानी अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको तीन टाइप के इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे. ऑटोनॉमस यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज प्राइवेट है बट इट इज अफिलिएटेड टू GTU यानी कि गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो. और नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट यानी कि प्योर गवर्नमेंट कॉलेजेस. तो इंस्टीट्यूट टाइप में आपको तीन दिखेंगी.
नेक्स्ट अगर आप इंस्टीट्यूट पे क्लिक करते हो तो आपको सारी की सारी कॉलेजेस के नाम आ जाएंगे, बहुत बड़ी लिस्ट होगी ये, ठीक है। और तीसरा है प्रोग्राम, प्रोग्राम वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। सपोज अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना है तो आप सिंपली यहाँ पे COMP इतना भी टाइप कर देंगे तो आपको जहाँ जहाँ पे भी कंप्यूटर है, जिस भी टाइप में कंप्यूटर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद TFWS, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद AI एंड मशीन लर्निंग, जैसे भी आपको जाना है उस ब्रांच को टाइप करिए एंड लाइक दैट ऑल्सो यू बी एबल टू फिल्टर आउट योर चॉइसेस। चलिए हम आपको दिखाते हैं चॉइस फिलिंग एक करके। हम जाते हैं इंस्टीट्यूट के नाम से, तो हमारी कॉलेज का जो इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज। व्हाट आई हैव डन इज इंस्टीट्यूट पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे आई हैव जस्ट टाइप्ड S.P.B व्हिच इज द इनिशियल्स ऑफ द नेम ऑफ माय कॉलेज एंड आई हैव एंटर्ड हियर SPB। द मिनट यू क्लिक ऑन दिस और यहाँ पे जो नीचे आपके कॉलेज का नाम सिंगल आउट हो जाएगा, जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस पर आप दोबारा क्लिक करिए। जैसे ही क्लिक करेंगे उस कॉलेज में जितनी भी ब्रांचेज या जितने भी जैसे कि प्रोग्राम नेम, जो भी प्रोग्राम अवेलेबल है वो सारे के सारे चॉइसेस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो फिलहाल SPB में वी हैव 4 चॉइसेस, मैकेनिकल, सिविल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT एंड कंप्यूटर। अब सबसे पहले सपोज मुझे जाना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो आई विल क्लिक ऑन कंप्यूटर। तो मैं जैसे ही ऐड पे क्लिक करूंगी आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ 3 चॉइसेस आ गई हैं एंड कंप्यूटर हैज गॉन ओवर हियर ऑन द राइट हैंड साइड विच इज फिल्ड चॉइसेस। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगा अवेलेबल चॉइसेस एंड ऑन द राइट साइड यू विल बी एबल टू सी फिल्ड चॉइसेस एंड कंप्यूटर हैज बिकम माई चॉइस नंबर 1 क्योंकि मैंने सबसे पहले कंप्यूटर पर क्लिक किया था। सपोज अगर मैंने सेकंड क्लिक कर रही हूँ मैकेनिकल पे, सो आई क्लिक ऑन ऐड नेक्स्ट टू मैकेनिकल एंड यू विल सी मैकेनिकल हैज बिकम माई सेकंड चॉइस। जिस सीक्वेंस में आप ब्रांचेस या कॉलेजेस पे क्लिक करोगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये ऐड होंगे, यानी कि फर्स्ट क्लिक विल बिकम फर्स्ट चॉइस, सेकंड क्लिक विल बिकम सेकंड चॉइस। सपोज नेक्स्ट आई वांट टू गो फॉर अ सिविल इंजीनियरिंग, सो आई क्लिक ऑन सिविल, यहाँ पे सिविल मेरा चॉइस नंबर 3 हो चुका है एंड देन आई क्लिक ऑन IT ऐड एंड IT मेरा 4th चॉइस हो चुका है। पर सपोज ये करने के बाद अगर आई चेंज माई मोड एंड सपोज आई वॉन्ट टू रिमूव अ ब्रांच, यू कैन क्लिक ऑन द बटन रिमूव। रिमूव पे क्लिक करने के बाद आपको एक प्रॉम्प्ट दिखेगा, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू रिमूव, क्लिक ऑन येस, वो चॉइस राइट साइड से निकल के वापस लेफ्ट साइड में आ जाएगी अवेलेबल चॉइस में। पर सपोज अगर आपको रिमूव नहीं करना है एंड यू वॉन्ट टू सिंपली चेंज द ऑर्डर, आपको IT एक्चुअल में सेकेंड नंबर पे चाहिए पर अभी IT फिलहाल 4th में बोल रहा है, यू जस्ट क्लिक ऑन अप ट्वाइस, दो बार आप पे क्लिक करोगे तो फिर IT सिविल के ऊपर और फिर मैकेनिकल के ऊपर चला गया। नाउ IT हैज बिकम योर चॉइस नंबर 2 एंड सपोज इफ आई वांट सिविल ऑन 3 और मैकेनिकल ऑन 4, तो या तो आप सिविल पे अप पे क्लिक कीजिए या फिर आप मैकेनिकल में डाउन पे क्लिक कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो आई विल क्लिक ऑन मैकेनिकल डाउन एंड यू विल बी एबल टू सी हियर दैट नाउ मैकेनिकल हैज बिकम द 4th चॉइस एंड सिविल हैज बिकम द 3rd चॉइस। अब स्टूडेंट्स को ये एक भी क्वेश्चन होता है कि मुझे इन चारों चॉइसेस में से कौन सी चॉइस मिलेगी और कैसे मिलेगी, तो ये बेस्ड है आपके मेरिट रैंक के ऊपर। सपोज अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग 1 डाला है, सपोज देर आर 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग अपनी फर्स्ट चॉइस डाली है, अब हमारे पास तो सपोज इफ देर आर ओनली 60 सीट्स, 200 में से कौन सा 60 को एडमिशन मिलेगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक ऑफ ऑल दोस 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये भरा है। उन 200 में से जिन 60 बच्चों का मेरिट रैंक सबसे ज्यादा होगा उनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिल जाएगा और बाकी के जो बच्चे हैं 140 स्टूडेंट्स जिनको कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं मिला SPV पटेल इंजीनियरिंग कॉलेज में, यानी कि जिनको अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं मिली, तो वो 140 स्टूडेंट्स है। सिमिलरली अगर आपको आपने अपनी फर्स्ट चॉइस यहाँ पे ये डाली कंप्यूटर सैफ्रनी पर, अगर आपको कंप्यूटर सैफ्रनी नहीं मिला तो और जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड चॉइस पे चला जाएगा कि अब IT में जितने भी बच्चों ने भरा है उसमें क्या आपका मेरिट इतना ऊंचा है कि आपको IT में मिल जाए। अगर सपोज IT में भी 100 बच्चों ने डाला है, ठीक है, उसमें से अगेन 60 स्टूडेंट्स में अगर आपका नंबर नहीं लग रहा है, ओके, टॉप 60 के मेरिट रैंक में आप नहीं आ रहे हो 100 में से, तो ये चॉइस भी आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा और जो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी चॉइस नंबर 3 को आपका नया चॉइस बना देगा। तो ऐसे होता है चॉइस फिलिंग, ठीक है, इसीलिए हो सके उतनी ज़्यादा चॉइसेस डालिए। इफ़ यू आर नॉट श्योर कि क्या करना तो ACPC हेल्प सेंटर पे कॉल करिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, पर मेक श्योर कि आप चॉइसेस बहुत सारी डालें, कट ऑफ देखिए, अपना मेरिट रैंक देखिए, उस हिसाब से चॉइसेस डालिए ताकि ऐसा ना हो कि मॉक राउंड में आपको एक भी कॉलेज ना मिले, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। देन क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे आपको एक और बार प्रॉम्प्ट आएगा, डू यू वांट टू सेव योर चॉइसेस, क्लिक ऑन ओके। अब आपको
एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें यू विल बी एबल टू सी दैट अवेलेबल चॉइसेस 1132 थी, उसमें से आपने चार चॉइसेस भर दी हैं, इसीलिए अनफिल्ड चॉइसेस जो हैं दैट इज 1128। और अगर आपको ये चॉइसेस लॉक करनी है, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो दो नए, मतलब एक नया ऑप्शन आ गया है व्यू फिल्ड चॉइसेस जो कि पहले नहीं था, और उसके साथ साथ चॉइस लॉकिंग इसके बाजू में भी न्यू लिखा हुआ आ गया बिकॉज नाउ दिस चॉइस इज अवेलेबल टू यू। पहले आपने जब चॉइस फिलिंग नहीं की थी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था। नाउ इफ यू कैन क्लिक ऑन, इफ यू क्लिक ऑन चॉइस लॉकिंग, आपको वापस अपनी सारी चॉइसेस दिखाएंगी कि आपने ऑटोनॉमस कॉलेजेस कितनी भरी हैं, जीरो, स्टेट कॉलेजेस यानी गवर्नमेंट कॉलेज कितनी भरी हैं, जीरो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि जीटीयू से अफिलिएटेड है वो आपने कितनी भरी हैं, चार, यानी कि आपकी चार चॉइसेस ऐसी हैं जिसमें आपने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट भरा हुआ है। सो लेट्स चेक, यहाँ पे आप देख सकते हो सैफरिनी इंस्टीट्यूट कंप्यूटर, सैफरिनी इंस्टीट्यूट आईटी, सैफरिनी इंस्टीट्यूट सिविल एंड सैफरिनी इंस्टीट्यूट मैकेनिकल, और ये उसी ऑर्डर में होनी चाहिए जिस ऑर्डर में आपने लास्ट चेक की थी। एक बार कंफर्म कर लीजिए लॉक करने के पहले। वंस यू हैव सीन एंड कंफर्म देन यू क्लिक ऑन आई अग्री टू लॉक माई चॉइसेस। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दोबारा आपका पासवर्ड एंटर करने के लिए बोलेगा, जो आपका यूजर आईडी लॉगिन का जो पासवर्ड था वही पासवर्ड आपको यहाँ पे दोबारा एंटर करना है एंड देन क्लिक ऑन येस लॉक। ये आपको कर देना है मॉक, अभी फिलहाल मॉक राउंड चल रहा है तो मॉक राउंड की चॉइस फिलिंग के पहले जब आपकी लास्ट डेट हो उसके पहले आपको ये कर देना है, और जब राउंड वन आएगा तो राउंड वन की लास्ट डेट के पहले आपको ये कर देना है। एज सून एज यू क्लिक ऑन लॉक एंड फिर आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा टैब दिखाई देगा जहां पे लिखा होगा यू हैव लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। प्लीज आप ये वाला पेज ध्यान से पढ़िएगा, आपका लॉग आउट सक्सेसफुली हो जाना चाहिए, इसको ऑन छोड़ के मत जाइएगा कहीं पे भी। एंड फिर यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि वी सजेस्ट यू टू क्लोज दिस विंडो, इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड, तो डेफिनेटली क्लोज पे क्लिक करिए एंड मेक श्योर कि आपका मेरिट रैंक चेक हो चुका हो और चॉइस फिलिंग भी अच्छे से की गई हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज मेक श्योर टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आर नंबर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। एंड देर आर, वी हैव मेड अनदर वीडियो ऑफ सिक्स कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग। डू वॉच दैट वीडियो एंड इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। ऑल द वेरी बेस्ट।